ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಶ್ರೀ ದೀಪಾಂಕರ್ ಘೋಷ್. स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष 8000 मीटर से ऊंची 7 चोटियों को फतेह करने वाले एकमात्र भारतीय सिविलियन हैं. माउंट एवरेस्ट 2011, माउंट कंचनजंगा 2014, माउंट लहोत्से 2012, माउंट मकालू 2013, माउंट मनासुलू 2016, माउंट धौलागिरी 2017 और माउंट चू ओयू 2018 की इन्होंने चढ़ाई की. जान को जोखिम में डालते हुए उन्होंने 2017 में माउंट धौलागिरी की 8000 मीटर की ऊंचाई से आईटीबीपी के एक जवान को बचाया और ठंड से सुन्न होने के कारण उन्हें 7 उंगलियां और बाएं पैर का अंगूठा गंवाना पड़ा. शारीरिक रूप से अशक्त होने के बावजूद 2018 में माउंट चो ओयू 8201 मीटर को फतेह किया. ये कुशल पर्वतारोही मई 2019 में माउंट मकालू से उतरते समय लापता हो गया. कुछ दिनों बाद उनका शव मिला. उनको पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए भूमि साहस के लिए मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाता है. पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं उनके भतीजे श्री सायन घोष. स्वर्गीय श्री दीपांकर घोष, श्री मणि का